भुज भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित एक नगर है। यह जिले का मुख्यालय भी है। भुज शहर की स्थापना 1548 में राव खेंगार जी ने की थी। राव लखपति जी के शासनकाल में निर्मित आईना महल स्थापत्य कला का एक सुंदर नमूना है, जिसे अब संग्रहालय में बदल दिया गया है। 2001 में इस इलाके में भयंकर भूकंप आया था। भुज हथकरघा के कामों के लिए भी जाना जाता है। पास के गांवों के कलाकार अपने हाथों से निर्मित वस्तुएं भुज में बेचने के लिए लाते हैं। शहर का नाम पहाड़ी भुजियो डूंगर के नाम पर पड़ा है, जो शहर के पूर्वी हिस्से में स्थित है। इसे विशाल नाग भुजंग की जगह माना जाता है। इसे समर्पित एक मंदिर इस पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। इतिहास भुज का पूर्व ऐतिहासिक दिनों से शुरू होने वाले भारतीय इतिहास के साथ एक मजबूत संबंध है। सिंधु घाटी सभ्यता और महान सिकंदर के शासनकाल से लेकर जनेजा राजपूत, गुजरात सल्तनत और ब्रिटिश शासन तक भुज के ने इतिहास के सभी चरणों को देखा है। 18वीं सदी में राव गोडजी ने तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों से कच्छ को बचाने के लिए भुज के किले को बनवाया। वह परिस्थितियां मुगल साम्राज्य के पतन के कारण पैदा हुई थीं। इस किले में 11 मीटर दीवारें और शहर के चारों ओर 51 बंदूकें हैं। ऐतिहासिक महत्व के स्थान भुज में घूमने लायक कई ऐतिहासिक स्थान हैं। 1991 में कक्ष के राजा मदन सिंह की मृत्यु होने तक शरद बाग पैलेस कक्ष के अंतिम राजा मदन सिंह का निवास स्थान था। आईना महल यानी शीशे के हॉल का निर्माण राजा लखपति जी के शासनकाल के दौरान मास्टर शिल्पकार राम सिंह मलन द्वारा बनवाया गया था। राजा प्रगम मल जी द्वारा अधिकृत प्राग महल के घंटा घर को इतालवी गोथिक शैली में बनाया गया है। रामायण और शाही समाधियों या छतरदिस के पात्रों की कई मूर्तियां रामाकुंड सीढ़ी नुमा कुएं में हैं। इनके अलावा कच्छ संग्रहालय और हमीरसर झील के साथ ऊपर के सभी स्मारकों में 2000 साल पुराने छत्रप शिलालेख हैं। यहाँ स्वामी नारायण मंदिर की इमारत के चारों ओर चमकीले रंग की लकड़ी की नक्शियाँ हैं, जिसमें ज़्यादातर भगवान कृष्ण और राधा की कहानियों का चित्रण किया गया है। धर्मभुज में स्वामी नारायण संप्रदाय बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि उनका पहला और मुख्य मंदिर यहाँ स्थित है। वैष्णव हिंदू धर्म, जैन धर्म और इस्लाम के उपयुक्त रूप भुज के प्रमुख धर्म हैं। लखपत में एक सिख गुरुद्वारा भी है। यह गुरुद्वारा वह जगह है जहां कक्ष की यात्रा के दौरान श्री गुरु नानक रुके थे। प्राकृतिक परिस्थिति की प्रणालियां खावड़ा भुज से 66 किलोमीटर उत्तर में स्थित है और दुनिया के सबसे बड़े राजहंस कॉलोनी के प्रस्थान केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। जम कुंडालिया पर रेगिस्तान में एक झील है, जहां हर साल पलायन करते वक्त 5,00,000 से ज़्यादा राजहंस रुकते एवं विश्राम करते हैं। ऊंट से राजहंस कॉलोनी पहुंचा जा सकता है और यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा समय सर्दियों में मार्च अक्टूबर के महीने के दौरान होता है। छारी ठंड एक अन्य परिस्थिति की पर्यटन केंद्र है, जो करीब 80 किलोमीटर भुज के उत्तर पश्चिम में स्थित है। शब्द छारी का अर्थ है
नमक प्रभावित और धंड का अर्थ है उथली गीली भूमि। यह जगह नमकीन आर्द्र भूमि वाली है। कक्ष में उच्चतम बिंदु ब्लैक हिल्स है जो खावड़ा के 25 किलोमीटर उत्तर में है। यहाँ पूरा उत्तरी क्षितिज ग्रेट रण में गायब हो जाता है। रेगिस्तान और आकाश अब एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते हैं। कोई भी इस स्थान में पाकिस्तानी सीमा से सबसे करीब जा सकता है। ब्लैक हिल्स के शीर्ष पर सेना का एक मिलिट्री पोस्ट है। केवल सैन्य कर्मियों को उस पोस्ट से आगे जाने की अनुमति दी जा सकती है। इस पहाड़ी की चोटी पर दत्तात्रेय एक ही शरीर में भगवान ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव के तीन अध्यक्षता अवतार की एक 400 साल पुराना मंदिर है। अन्य पर्यटक भुज तक कैसे पहुँचें? भुज तक जाना बहुत आसान है क्योंकि इसके पास खुद का हवाई अड्डा है। रेल और सड़क परिवहन भी भारत के प्रमुख शहरों से उपलब्ध हैं।